हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीड आईटी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। और वीडियो में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई कमाल की अपॉर्चुनिटी के बारे में। इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जिसपे आप लोगों को 10,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइपेंड भी ऑफर किया जा रहा है। कॉलेज में स्टूडेंट रिसेंट पास आउट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अलग अलग फील्ड पे इंटर्नशिप ऑफर की जा रही है। मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड के हैं तो उस फील्ड से आपको इंटर्नशिप मिल सकती है, या फिर आप कॉमर्स फील्ड से हैं या किसी और फील्ड से हैं तो आपको आपके फील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटर्नशिप ऑफर होने वाली है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। एक और चीज मैं बता दूं कि ये इंटर्नशिप का रिजल्ट भी आपको काफी जल्दी देखने के लिए मिलेगा। 14 जनवरी से ये इंटर्नशिप का आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और काफी जल्दी मतलब जनवरी के लास्ट के वीक में ये इंटर्नशिप आपकी चालू भी हो जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको सारी डिटेल के बारे में इसमें बताता हूँ। तो ये इंटर्नशिप हमें देखने के लिए मिल रही है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा MEA इंटर्नशिप पोर्टल। ये दोस्तों हमेशा आप लोगों के लिए नई नई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी लेके आते रहते हैं। अच्छी बात ये दोस्तों कि इसका रिजल्ट भी काफी जल्दी आता है और बहुत सारे लोगों को इंटर्नशिप ऑफर की जाती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप जैसा कि देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, लॉन्च कर रहा है सेकंड एडिशन 2023-24 के लिए इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी। इसमें जो भी लोग इंटर्न होंगे दोस्तों, उन्हें है ना काफी सारे बेनिफिट होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 10,000 पर मंथ का स्टाइपेंड उन्हें पे किया जाएगा। इसके अलावा जो भी ट्रैवलिंग का कॉस्ट आएगा उनका, वो पूरा का पूरा है ना कंपनी के द्वारा, मतलब इनके द्वारा पे किया जाने वाला है। कॉलेज यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में और एलिजिबिलिटी भी मैं आपको बताता हूँ। अगर बात कर लीजिए दोस्तों कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या होने वाली है और ये एप्लीकेशन आप कैसे फिल कर पाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इंटर्नशिप जो यहाँ पे बताया गया है कि इंटर्नशिप ये जो है बेसिकली ये इंडियन सिटीजन के लिए होता है, और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री मांगी जाती है। मतलब जो लोग ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इंटर्नशिप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन होता है, जो कि फाइनल ईयर के लिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं, मतलब फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो रिसेंट पास आउट स्टूडेंट है वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। एज का यहाँ पे क्राइटेरिया है 25 ईयर तक आपका एज होना चाहिए। और ये आपको ये बताया गया कि December 31st तक 25 से अगर आपकी ज्यादा एज है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। अगर बात कर ली जाए कि यार इसमें कैसे अप्लाई करेंगे और इसकी टाइमलाइन के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे पहले टाइमलाइन दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और मतलब फॉर्म जो फिल करना है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और 14 जनवरी तक इसमें अप्लाई करने का आपके पास मौका रहेगा। जैसे ही ये एप्लीकेशन चालू होगा, मैं डिटेल वीडियो में कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करना है वो बता दूंगा। और फिर 19 जनवरी को आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट आ जाएगा जो भी लोग इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे। 3 फरवरी को इंटरव्यू होगा और आपका इंटर्नशिप इसका बाद चालू कर दिया जाएगा। अब अगर बात कर ली जाए कि इस इंटर्नशिप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आपको बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये भी स्टार्ट नहीं हुआ है, 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। मैंने सोचा आपको ये जरूर बता दूं ताकि आप लोग अभी से है ना इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स में बात कर लें, तो आप अगर कॉलेज में है तो रिकमेंडेशन लेटर आपको लगेगा, और जितने भी आपके 10th, 12th और ग्रेजुएशन के उनकी ब्लूप्रिंट्स आपके पास होनी चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे मांगी जाती है जब आप अपलोड करते हैं तो। और 1 जनवरी आज से 2 दिन बाद ही ये आपका चालू हो जाएगा। और याद रखिए कि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलता है, 14 जनवरी बोला गया है, लेकिन उसके पहले कई बार ये एंड भी हो जाता है। तो इसलिए सोचा मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं। सिलेक्शन के प्रोसेस की बात कर ली जाए, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बताया गया कि आप लोगों को यार इसमें अप्लाई करना है, आपके जो परसेंटेज क्राइटेरिया है उसको भी काफी ज्यादा यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा, और उसके बाद इनकी जो टीम है वो डिसाइड करेगी कि कितने लोगों को और कितने लोगों को किस फील्ड में इंटर्न के लिए हायर करना है। यहाँ पे ये भी बताया गया दोस्तों कि जो लोग SC ST इस तरह के क्राइटेरिया से आएंगे उनको भी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस मिल सकता है। अगर बात कर ली जाए दोस्तों कि कौन कौन से स्टेट में इंटर्नशिप ऑफर की जा रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अक्टूबर से मार्च का इंटर्नशिप इनके द्वारा कराया जाएगा, ये मणिपुर, मेघालय, आप यहाँ पे देख सकते हैं नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, इन पर्टिकुलर लोकेशंस पे अवेलेबल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पौंडेचेरी, यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसमें से किसी जगह जाके आपको ये इंटर्नशिप करना होगा। मतलब ये इंटर्नशिप दोस्तों ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ऑफलाइन अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन इतनी टाइम दे पाएंगे तो आप इसमें अप्लाई करिएगा। 10,000 स्टाइपेंड भी आपको इसमें ऑफर किया जाने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेगा दोस्तों, जहां पे आप इसके बारे में और भी जान सकते हैं। बाकी अप्लाई करने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों को 1 जनवरी को बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा ताकि सब इसका एडवांटेज उठा पाए। थैंक यू सो मच दोस्तों।